पेरू पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका का एक बहुत ही खूबसूरत देश है। ये उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया द्वारा, पूर्व में ब्राजील द्वारा, दक्षिण में चिली द्वारा और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। बने रहिए शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि पेरू के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएं। इसका खूबसूरत समुद्री तट आपको हजारों मील की दूरी पर बैठकर भी आपका मन मोह लेगा। पेरू की राजधानी लीमा है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इसकी एक चौथाई जनसंख्या लीमा में ही निवास करती है। यहाँ शादी से पहले लड़कों को अपने ससुर और लड़की को अपनी सास के साथ कुछ दिनों तक रहना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ लड़का और लड़की ट्रायल मैरिज के जरिए भी एक साथ रह सकते हैं। वैश्यवृत्ति के मामले में पेरू दुनिया में पहले नंबर पर है। यहाँ की महिलाएं वैश्यवृत्ति में सबसे आगे हैं। आपको शायद यकीन ना हो कि यहाँ की 10% महिलाएं वैश्यवृत्ति में शामिल है। यहाँ वैश्यवृत्ति पूरी तरह से लीगल है। हालांकि यहाँ कोई रेड लाइट एरिया नहीं है, और तो और यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा कामुक भी माना जाता है। पेरू में एक अजीब चलन भी है। यहाँ नए साल की शाम को लोग अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को पीला अंडरवियर उपहार में देते हैं, है ना अजीब बात। यहाँ की जेलों में कैदियों को मिर्च नहीं दी जाती। यहाँ की सरकार का मानना है कि मिर्च खाने से कैदियों की यौन उत्तेजना बढ़ जाती है। पेरू दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसकी स्पेलिंग इंग्लिश में कीबोर्ड पर एक ही लाइन में होती है। पेरू के अलावा बाकी सारे देशों के नाम की स्पेलिंग के वर्ड कीबोर्ड के अलग अलग लाइन में होते हैं। इस देश में एक बार दंगा भी हुआ था, जो कि पेरू की राजधानी लीमा में 1964 में एक फुटबॉल मैच के दौरान हुआ था। इस मैच में रेफरी के एक गलत फैसले की वजह से लोग भड़क गए थे, जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 500 लोग घायल भी हुए थे। ये मैच पेरू और अर्जेंटीना के बीच खेला गया था। इस देश में 1881 प्रजातियों की चिड़िया पाई जाती है, लेकिन पेरू इकलौता ऐसा देश है जहां पर अकेले चिड़ियों की 1881 प्रजातियां निवास करती है। तो ये थी पेरू देश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। लेकिन आगे लिस्ट और भी है। अगर आप चाहते हैं कि पेरू के बारे में हम सेकंड पार्ट बनाएं, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। और हाँ, जाते जाते एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।